सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडु हब्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम चेंज हो चुका है, बट हम जो है आपके जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसी से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बिकॉज ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। फर्दर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वो बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ईजी है। बस आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अबाउट थ्री ट्रैवलर्स। अब देखो, थ्री ट्रैवलर्स आए थे, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम में काफ़ी ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है। एंड उस टाइम में जो है काफ़ी लोग बहुत कुछ लिखते थे, एंड वो है एक सोर्स है उस टाइम के बारे में जानने का। तो यहाँ से जो है, इस चैप्टर से, चैप्टर 5 जो आपकी सेकेंड बुक की शुरुआत होती है, एज वेल एज मिडिवल सोसाइटी या फिर मिडिवल हिस्ट्री की भी शुरुआत होती है। तो फर्स्ट बुक आपका था एंशियंट पे, सेकेंड है मिडिवल पे, जितने भी आप 5 चैप्टर पढ़ोगे, एंड थर्ड जो है आपका मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी मिडिवल सोसाइटी शुरू हो रही है, जहाँ पे हम मुगल के बारे में या फिर विजयनगर एम्पायर, भक्ति के बारे में, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, पीजेंस के बारे में, उस टाइम की क्या सोसाइटी थी, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है बड़ी इंटरेस्टिंगली देखो, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है, पहले ये तीनों जो है ट्रैवलर के बारे में इस बुक में बताएंगे कि फर्स्ट कौन थे, जैसे अलबिरूनी, उनके बारे में थोड़ा बता दिया, इनके बुक के बारे में थोड़ा बताया। उसके बाद जो तीन ट्रैवलर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा पहले आप पहले के पन्नों में यही पढ़ोगे, उसके बाद क्या आप पढ़ोगे, इन्होंने जो कहा है, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में, या फिर मुगल सोसाइटी के बारे में, या फिर उस टाइम के जो सोशल कल्चरल चीज़ें थी उनके बारे में इन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो पहले आप ऐसे इन चीज़ों को देखो कि आपको बस तीन लोगों के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे इंडिया में घूमने आए थे, एंड क्या इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, हम भी तो जाने कि इन्होंने क्या लिखा है ऐसा अपने बुक में। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है, दैट इज अब अपनी कॉपी में तीन कॉलम्स बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे दो है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने तीन नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने दो बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप थ्री कॉलम्स बनाओ। फर्स्ट कॉलम पे आप लिखो अलबिरूनी, सेकंड पे लिखो इब्न बतूता, एंड थर्ड पे आप लिखो फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। इसके बाद आप लिखना फ्रैंकोइस बर्नियर। अब तीनों के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जैसे इनका किताब का नाम क्या था, किताबुलिन, ठीक है। उसके बाद इनका था रिहला, ठीक है। एंड फ्रैंकोइस बर्नियर का किताब का नाम क्या था, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तीनों की किताब का नाम लिखो। ये 11th सेंचुरी में आए थे, 14th सेंचुरी में आए थे, एंड ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर है वो 17th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। ये तीनों डेट्स, ईयर लिखो, सेंचुरी लिखो, साथ में बुक का नाम एंड इनके नेम, ठीक है, आपको ताकि क्लैरिफिकेशन बनी रहे इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अलबिरूनी के बारे में। अब अलबिरूनी जो थे, इनका जन्म, इनके बुक का नाम किताबुल हिंद था, 11th सेंचुरी में आए थे। इनका जन्म जो है 1973 में हुआ था, एज वेल एज ये कहाँ से थे, ख्वारिज्म से थे। ख्वारिज्म कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। एंड ये जहाँ पे रहते थे वो एक सेंटर था फॉर लर्निंग, ठीक है, मींस वहाँ पे लर्निंग वगैरह के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। तो एंड अगर आप इनको भी देख लो तो इनको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आती थी, जैसे सीरियक, संस्कृत, अरेबिक, एज वेल एज इनके हिब्रू, पर्शियन, तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ये वेल वर्स थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे ये काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में। इनको ग्रीक इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट ये मतलब एरिस्टोटल, प्लेटो की वो जो है पढ़ लेते थे, ठीक है, ग्रीक वगैरह में। तो देखो यार, उस टाइम के लोग मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये तो एक स्कॉलर थे, पोइट थे, ठीक है, हम देख सकते हैं काफ़ी सारे लैंग्वेज में वेलवर्स थे। तो अचानक क्या हुआ, 1017 में क्या हुआ कि जो सुल्तान मोहम्मद थे उन्होंने इन्वेजन किया इन ख्वारिज्म। ख्वारिज्म का जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इन्होंने इन्वेजन किया, और अपने साथ कुछ पोइट स्कॉलर्स इनको उठा के ले गए। तो यही करते थे, मतलब जहाँ पे वो इन्वेजन करते थे ना, राजा वगैरह, ये वहाँ से कुछ लोगों को लेके अपने साथ चले जाते थे। इनमें से ये भी जो थे वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, गजनी पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो गए थे, एंड वहीं पे जो है ना उनकी जो एक रुचि है, हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है इंडिया के ऊपर वो पैदा हुई थी, ठीक है, कि इंडिया के जैसे वो बुक्स पढ़ते थे इन संस्कृत, इन हम कह सकते हैं मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इनके ऊपर जो संस्कृत में किताबें लिखी होती थी वो पढ़ते थे, एंड उनको इंटरेस्ट आने लगा था इंडिया पे, ठीक है। एंड जब गजनवीद एम्पायर है, ये जब पंजाब से कनेक्ट हुए, ठीक है, पंजाब को भी गजनवीद एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया, तब ये क्या करते थे, जो वहाँ के ब्राह्मण है, प्रीस्ट है, इनके
साथ जो है रहते थे एंड ये नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। तो ये बहुत सालों तक इनके साथ इनके कंपनी में रहते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, जो भी वो ट्रैवल वगैरह किए, इन्होंने नॉर्थ इंडिया वगैरह की ट्रैवल भी की है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब जो है अरेबिक में लिखी भी है। अब इनकी किताब देखते हैं, दैट इज किताब उल हिंद, वन ऑफ दी हम कह सकते हैं इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है किताब उल हिंद, जिससे हमें पता चला है इंडिया के बारे में काफी कुछ। तो ये जो किताब है अरेबिक में लिखी है, ऑफ कोर्स सी बात है उनको अरेबिक अच्छे से आती थी, एज वेल एज सिंपल एंड लूसिड वे में उन्होंने लिखा है, बहुत सिंपली लिखा है, एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, 80 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, दैट इज अबाउट द रिलीजन, दैट इज अबाउट द कल्चर, फेस्टिवल, सोशल लाइफ, एल्केमी, एज वेल एज कस्टम, एस्ट्रोनॉमी, इन चीजों के बारे में फोकस किया गया है, ठीक है। मीन्स जो कल्चरल एंड जो सोशल लाइफ है इनके बारे में इन्होंने जाहिर किया बताया है, ठीक है। एंड इस बुक का एक खास स्ट्रक्चर होता था, जैसे वो जब चैप्टर लिखते थे तो फर्स्ट शुरू करते थे क्वेश्चन से, ठीक है, एंड क्वेश्चन के बाद वो क्या करते थे, उस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते थे एंड लास्ट में जाके उसको कंक्लूड करते थे। तो ये एक स्पेशल पैटर्न है जो ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो इनकी जो बुक है ये स्पेशली इन्होंने अरेबिक में लिखी थी एंड वो भली बाती मतलब इनसे भी ज्ञात थे कि जो भी इनके ट्रांसलेशन है इन संस्कृत एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड साथ में ये जो इनकी किताब थी ये फॉर दी जो भी सब फ्रंटियर्स में रहते हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनको मतलब टारगेट करके लिखा गया था ताकि वो जो है ये किताब पढ़ पाए, ठीक है। तो ये है अबाउट दी किताब उल हिंद। तो इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, इन्होंने जो भी मतलब मेनली कहा है उनको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है रिहला, इन्होंने बुक लिखी थी, ये 14th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। इनको इनकी जो फैमिली थी ये भी बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड थी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही लर्निड पर्सन्स थे। तो इन्होंने इनकी जो बुक है रिहला उसमें भी सोशल एंड कल्चरल लाइफ को दर्शाया गया है, एज वेल एज ये जो इब्न बतूता है ये एक मोरक्कन ट्रैवलर है, टैंजियर में पैदा हुए हैं एंड इनकी जो फैमिली है वो शरिया या फिर जो इस्लामिक लॉ हम कहते हैं उनमें एकदम हम कह सकते हैं एक्सपर्ट थे, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज इन मुस्लिम लॉ या फिर शरिया, ठीक है। तो इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी एंड ये ट्रैवलर थी, ये बस घूमते रहते थे, बिकॉज इनका मानना यही था कि जो नॉलेज है वो किताब से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, आपको ट्रैवल से मिलता है, जो कि बहुत वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। एंड इंडिया पे आने से पहले भी ये जो है काफ़ी जगह पे घूम चुके थे, जैसे मक्का में, येमेन, ओमान, सीरिया, जितने भी जगह है वो सेंट्रल एशिया में आप देख लो वो घूम चुके थे, इराक घूम चुके थे एंड उसके बाद जो है ये 32 to 33 में जो है इंडिया में आए, उससे पहले काफ़ी जो सेंट्रल के काफी सारे कंट्रीज है उनमें घूम चुके थे, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है 1332 से 33 के बीच में इंडिया आए थे, जब वो सेंट्रल एशिया के बीच में से ऊपर से जा रहे थे तब उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना था, ठीक है। तो वो दिल्ली में आए, ठीक है। अब दिल्ली में आए एंड वो जब सुल्तान के दरबार में गए तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो भी बड़े इंप्रेस हो गए इनकी इतनी टैलेंट देख के, इतनी स्कॉलरशिप देख के एंड इनको तुरंत जो है काजी बना दिया दिल्ली का, मीन्स जो जज होते हैं ना वो बना दिए, ठीक है, काजी ऑफ दिल्ली। अब तुरंत उसके बाद क्या हुआ कि इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस वजह से इनको प्रिजन में भी डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बट उसके बाद जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, जब सब कुछ ठीक हो गया, तब उनकी जो सर्विस है इंपीरियल सर्विस इनको फिर वापस भी दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ये है सुल्तान है, इन्होंने जो इब्न बतूता को है ऑर्डर दिया कि वो जो है सुल्तान की तरफ से मंगोल रूलर के पास जाए एज अ एनवॉय। एनवॉय मीन्स डिप्लोमैट होता है एंड डिप्लोमैट आप कह सकते हो एम्बेसडर से मतलब इनके पास थोड़ी कम ऑथोरिटी होती है, ठीक है। तो इनको चाइना जाना था बेसिकली। अब चाइना जाएंगे तो चाइना में भी जाते वक्त ये काफी जगह पे घूम घाम के गए, दैट इज मालाबार में गए, सुमात्रा में गए, श्रीलंका में गए, मालदीव्स में गए, जो जो जगह इनको मिली वो सारे घूम घाम के फिर वो चाइना गए। अब चाइना में भी जाके वो घूमने लगे तो बीजिंग वगैरह घूम के आए थे एंड फाइनली 1347 में जो है इन्होंने डिसाइड किया
किया कि वो अपने घर अभी वापस जाएंगे, ठीक है। बट उस टाइम में क्या होता था ना कि रास्ते इतने सेफ नहीं होते थे, ये ट्रैवल वगैरह तो करते थे बट काफ़ी बार क्या हुआ इनके ऊपर रॉबरी वगैरह हुई है, ठीक है। एंड तो इसलिए क्या करते थे, कारावान के साथ जो है ट्रैवल करते थे, बट फिर भी जो है ये इनका खतरा वो सब बना रहता था, तो उस टाइम के रोड जो इतने सेफ नहीं होते थे। एंड एट लास्ट एक चीज़ जो है इन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो है सोशल कल्चरल लाइफ एज वेल एज जो वैल्यूज़ है पीपल्स है इनके बारे में जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया वो इनको रिकॉर्ड किया था इन्होंने, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इब्न बतूता। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंक्विस बर्नियर के बारे में, ठीक है। तो ये अब देखो ये जो है 1500 में कौन आने शुरू हो गए थे, पोर्टुगीज, ठीक है। पोर्टुगीज के भी जो है काफ़ी सारे मतलब ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, जैसे हम देख सकते हैं जेसुइट रॉबर्टो नोबिली थे, उसके बाद डुआर्टे बारबोसा थे, तो ये सारे पोर्टुगीज ट्रैवलर्स थे, ठीक है। जो पोर्टुगीज जब आए थे 1500 में, आपको पता है जो है इंडिया पे सबसे पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज, उसके बाद जो है डच फ्रेंच इंग्लिश मैन सारे आए थे, ठीक है। तो उनके भी कुछ जो है ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। उसके बाद 1600 के बाद से क्या आने शुरू हो गए थे, जो है फ्रेंच डच इंग्लिश मैन एंड ये आने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब इनके भी कुछ ट्रैवलर्स थे जैसे जीन बेपिस्टे है, ये एक फ्रेंच है, तो इन्होंने जो है इंडिया के बारे में लिखा था। उसके बाद जो है फ्रैंक्विस बर्नियर, ठीक है, इनके जो है इनकी जो डिटेल है या फिर इनकी जो वर्क है, ये इन्होंने जो भी नोटिस किया इंडिया के बारे में, जो भी लिखा है, बहुत कुछ पता चला है यहाँ से, ठीक है। मुगल एम्पायर के टाइम का, मुगल एम्पायर के टाइम में आए थे एंड बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आप कह सकते हैं मुगल एम्पायर, लैंड ओनरशिप एज वेल एज वेमेंस की पोजिशन के बारे में, सती के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है, ठीक है। तो ये जो है डॉक्टर भी थे, एक फिलोसफर भी थे एज वेल एज एक हिस्टोरियन भी थे, तो काफी सारे डाइवर्स काम एक ही साथ कर रहे थे, ठीक है। हिस्ट्री साइंस अभी इन्होंने मिला दिया था। एंड ये मुगल एम्पायर के टाइम में आए थे, 17th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। 11th हमने फर्स्ट देखा अलबिरूनी, इब्न बतूता 14th एंड फ्रैंक्विस बर्नियर 17th। इनका बुक का नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, ओके। एंड ये जो है इन्होंने क्या किया था, ये तो एक तो फिजिशियन भी थे, ठीक है, मुगल एम्पायर में दारा सुको की फिजिशियन थे। दारा सुको कौन, जो शाहजहान के सुपुत्र थे, बेटे थे इनका, जो है ये फिजिशियन थे बिकॉज ये डॉक्टर भी थे, ठीक है, पेशे से। एंड एज वेल एज इनके जो वर्क है में बेसिकली उन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने कंपैरिजन किया है बिटवीन इंडिया एज वेल एज यूरोप। अब कंपैरिजन होगा तो कोई अच्छा कंपैरिजन तो ये करेंगे नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या कंपैरिजन किया कि इंडिया कितनी ब्लीक सिचुएशन में, कितनी खराब सिचुएशन में, एज वेल एज जो यूरोप में जो डेवलपमेंट है, इनके साथ इनको क्या किया, कंपेयर किया गया। एंड इनका जो मेन वर्क था ये बेसिकली डेडिकेटेड था टू लुइस 14, ठीक है। हमने पढ़ा था लुइस 16 फ्रेंच के रेवोल्यूशन के टाइम में, ये है लुइस 14 उनसे पहले जो कि फ्रेंच के रूलर थे, ठीक है। तो लुइस 14 को डेडिकेट किया, इनका जो काम है, इनका जो वर्क है, फ्रांस में आया, फ्रांस में पब्लिश हुआ एज वेल एज ट्रांसलेट किया गया, इनको डच जर्मन एज वेल एज इटालियन में इनको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। तो ये है अबाउट फ्रैंक्विस बर्नियर। तो यहाँ पे खत्म होता है जो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था जहाँ पे हमने 3 ट्रैवलर्स के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा जो है उन्होंने क्या बोला था, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर का है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो फर्स्ट है अलबिरूनी, ठीक है। अलबिरूनी का जो है इन्होंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो अलबिरूनी ने क्या बोला था, फर्स्ट इन्होंने कुछ बैरियर्स की बात की थी, ठीक है। फर्स्ट बैरियर जो इनको लगा वो है लैंग्वेज। अब इनकी लैंग्वेज क्या थी, अलबिरूनी की अरेबिक, सीरियक, ठीक है, पर्शियन, ये सब लैंग्वेज यूज करते थे। एंड इनको जो है संस्कृत थोड़ा सा डिफरेंट लगा, एंड इसलिए वो कह रहे, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो आइडियाज है इनको थोड़ा ट्रांसलेट करना या फिर थोड़ा जो इनका रियल एसेंस है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था बिकॉज संस्कृत थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको दिक्कत आती थी संस्कृत की वजह से, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बात किया रिलीजियस बिलीव के बारे में कि इंडिया में इतने सारे रिलीजियस बिलीव वगैरह है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आए। इनकी तो एक ही धर्म, जैसे ये इस्लाम धर्म में थे, ठीक है, या फिर हम फ्रैंक्विस बर्नियर की बात करें क्रिश्चियनिटी से आए थे, बट इंडिया जो है इसकी ये
ब्यूटी है कि यहाँ पे सारे रिलीजन जो है हम देख सकते हैं, इनको भले प्रॉब्लम लगा हो बट इंडिया जो है अभी तक सक्सेसफुली जो है रन कर रहा है विथ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो इनको एक ये बैरियर लगा था, दैट इज रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस, बिकॉज इनके इस्लाम में तो जैसे एक ही जैसे अल्लाह को मानते हैं ना, तो इनका उतना वो रिलीजियस बिलीव इतने डाइवर्स नहीं है जितना इंडिया में है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ रूरल पीपल। सेल्फ एब्जॉर्प्शन या इंसेलिरिटी, इसका मतलब होता है अभिमान अपने आप पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राउड अभिमान जो हम कहते हैं। तो जो रूरल जो लोकल पीपल पॉपुलेशन थे उनमें बहुत ज़्यादा अभिमान की जो है वो भावना थी, जो इनको थर्ड बैरियर लगा। तो ये तीन बैरियर के बारे में इन्होंने फर्स्ट बात की थी। उसके बाद इन्होंने बात किया था अबाउट कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने ये बोला था कि कास्ट सिस्टम कोई न्यू नहीं है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने अपने बुक में क्या किया है, इसको इंडिया को कंपैरिजन किया है विद यूरोप से, वेस्ट से, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कास्ट सिस्टम जो है ये कोई न्यू थिंग बिल्कुल नहीं है, बिकॉज नया चीज इसलिए नहीं है बिकॉज एंशियंट पर्शिया में भी अगर आप देखो तो वहां पे भी डिवीजन था, जैसे वहां पे फर्स्ट में है जैसे नाइट्स एंड प्रिंसेस, उसके बाद में है मॉन्क्स, फायर प्रिंस, लॉयर्स, उसके बाद है फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, पीजन। तो ऐसे उनकी हम कह सकते हैं कैटेगरीज थी, क्लासेस में बटे हुए थे। बट उन्होंने कौन सी चीज क्रिटिसाइज किया है इंडिया में, वो है नोशन ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, जो हम कहते हैं ना आउटसाइड कास्ट, एंड इनको पॉल्यूशन माना जाता था, तो इनको मतलब दूर दूर रखा जाता था, ये कोई चीज़ छू नहीं पाते थे, एज वेल एज ये जो है शहर के दूर ही रहते थे, ठीक है। तो ये जो सारी प्रथा थी, ठीक है, तो इनको उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा जैसे जो एयर है इसको हम शुद्ध करते हैं थ्रू जो सनरेज आती है उससे जो है एयर शुद्ध होती है, एज वेल एज जो समुद्र के पानी में जो सॉल्ट रहता है उसमें से समुद्र के पानी जो है शुद्ध होता है, वैसे ही जो है ऐसा नहीं हुआ अगर कुछ तो वर्ल्ड कैसे चलेगी, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये एकदम मतलब कास्ट सिस्टम में एकदम इंट्रिंसिक है, एकदम मतलब क्या बोलेंगे, एकदम अंडर तक है, ठीक है, इसको हम हटा नहीं सकते या फिर वो पहले से ही वैसा है, ठीक है। एंड इन्होंने जो है संस्कृत वगैरह जो टेक्स्ट थे इनको भी पढ़ा है, एंड उससे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, एंड उससे ही उसके बेस पे उन्होंने ये सब बोला है, ठीक है। बट एक चीज़ थी कि हाँ भले ही इंडियन कास्ट सिस्टम में जो है ये वाली प्रथा थी कि मतलब पॉल्यूशन वाली, कि जो लो कास्ट है इनको थोड़ा दूर दूर रखा जाता था, बट हम ये कह सकते हैं ये प्रोसेस इतनी भी रिजिड नहीं थी, बिकॉज हाँ भले ही इनको एक्सक्लूड किया जाता था बट फिर भी इनको इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर तो रखा जाता था, ठीक है। जो आप देख लो अगर कोई लैंड ओनर है अपनी ज़मीन की कुछ कर रहा है, खेती वगैरह कर रहा है, तो जो लेबरर्स वगैरह होते थे ज़्यादातर आउटकास्ट या फिर अंत्यज जो हम बोलते हैं वहीं से होते थे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं हाँ ये प्रोसेस थी बट इतनी रिजिड नहीं थी, ठीक है, बिकॉज इनको भी इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो अल बिरूनी ने बस इतना ही बोला है। तो अगर क्वेश्चन आया तो आपको एक बैरियर के बारे में लिखना है जिसमें तीन बैरियर्स आएंगे, एंड सेकेंड है इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बोला है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इब्न बतूता एंड बर्नियर दोनों ने क्या बोला था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैंने दो डिवीजन बना रखा है, दो पार्टीशन बना रखा है, तो इस टाइप इस साइड में जो पार्टीशन है इसमें जो भी इब्न बतूता ने कहा है, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही इंडिया के बारे में, बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की है। बट ये जो बर्नियर भाई साहब है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम के बुराई की, जितना इन्होंने तारीफ किया उतना उन्होंने बुराई की, ठीक है। अब ये बुराई की काफी सारी बुराई थी इसमें से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, बट आप लोगों को ना रैशनल वे देखना है, कि ऐसे देखना है कि हाँ इन्होंने दोनों के पर्सपेक्टिव देखने हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग इसमें ज्यादा मत चलाना, बस आप ये देखो इन्होंने बोला क्या है, ठीक है। अब देखो इब्न बतूता जो है इन्होंने जम के तारीफ की, तो पहले इन्होंने दो तीन चीजें ली, जैसे एक पान के बारे में और एक नट के बारे में, ठीक है, इन्होंने बताया। अब इन्होंने बहुत अजीब तरीके से जो है ना इसको डिफाइन किया, तो जो सोर्स वाला बॉक्स होता है आपके बुक में आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो पान का पत्ता है ये कुछ अजीब ही है, ठीक है, ये ग्रेप वाइन जैसा दिखता है, ठीक है, एंड ये ऐसा एक प्लांट है जिसमें से फ्रूट्स वगैरह
वगैरह कुछ निकलते नहीं है, इसको बस इसलिए लिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लीव, ठीक है, जैसे हम पान खाते हैं ना, तो ये पान के लिए लिया जाता है, तो कितना अजीब बात है कि इसमें कोई फ्रूट नहीं आता। एंड इसमें जो है सुपारी वगैरह साथ में चूना वगैरह लगा के जैसे हम पान वान खाते हैं ना, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है, ठीक है। इसके बाद जो है नट्स के बारे में बताया, जिसको इन्होंने बताया कि खजूर के पेड़ के जैसा ये दिखता है, बट ये खजूर का पेड़ है नहीं, इसमें नट्स उगते हैं। एज वेल एज ये नट को ऐसा बोला है कि इसमें लगता है कि दो आंखें हैं, एक मुंह है, एंड इसके लंबे लंबे बाल है, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। एंड लंबे लंबे बाल है जिनको कॉर्ड वगैरह रस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप इनके जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, आपके सोर्स वाले बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे बताया। उसके बाद जो मेन है उन्होंने इंडियन सिटीज के बारे में बताया, ठीक है। तो उनका मानना ये है जो इंडियन सिटीज है वो मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत उनमें अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास स्किल है, रिसोर्स है, टैलेंट्स है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइवली है। एज वेल एज ये जो है इनके जो स्ट्रीट्स है बहुत ब्राइट है, इंडियन की स्ट्रीट्स आप देख सकते हो, अगर आप दिल्ली में मार्केट्स घूम लो, ठीक है, जो बड़े बड़े मार्केट है, करोल बाग मार्केट, सरोजनी मार्केट, ठीक है, तब देख सकते हो यार जो मार्केट्स है फुल ऑन कलरफुल वगैरह होता है, ठीक है, भीड़ होती है, ओके, तो फुल क्राउडेड स्ट्रीट्स, ब्राइट जो है, ब्राइट कलर्ड मार्केट्स वगैरह है। एंड ये जो मार्केट है इसमें केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो है कल्चरल एक अलग लाइफ है, ठीक है, इसमें जैसे बोला गया है, ठीक है, बाजार जो है इकोनॉमिक ट्रांजिशन ही नहीं है बल्कि हब हब सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि मार्केट्स के बीच में हम देख सकते हैं श्राइन्स होती है, ठीक है, मंदिर मस्जिद होते हैं, कहीं वहाँ पे जो है प्लेज होते हैं, डांसेस होते हैं, ठीक है, स्टेज बना के। तो ये जो है उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए इंडियन स्ट्रीट के बारे में, रोड के बारे में, स्ट्रीट के बारे में, मार्केट्स के बारे में। तो यार इसको मज़े से पढ़ना कि यार कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया जो दिल्ली है यहाँ पे बहुत मतलब वास्ट सिटी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि आपको पता है अगर दिल्ली जो है यूटी में माना जाता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में माना जाता है, अगर हम इसको पूरे ओवरऑल इंडिया में देखें दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। एज वेल एज इन्होंने दौलताबाद की भी बात की है, मुंबई की बात की है, दौलताबाद कहाँ है, मुंबई में है, तो इनकी भी बात की है, जहाँ बहुत वास्ट सिटीज़ हैं यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, इनकी बात की है। साथ में इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में जैसे इंडियन एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल तो है, इसलिए दो क्रॉप्स एक साल में उगाया जाता है, ठीक है। एंड इंडियन इंडिया जो मार्केट है, इंडिया की जो मार्केट है काफ़ी डिमांड में है, साउथ ईस्ट एशिया देख लो, वेस्ट एशिया देख लो, ठीक है, तो आपके लिए एक प्राउड की भी बात है, यार देखो इंडिया की इतनी तारीफ हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर की, ऑल इस सब की, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बोला है कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्सटाइल्स मिलते हैं, जैसे मुस्लिन एक बात की है, मुस्लिन क्लोथ आपने देखा है, मुस्लिन जो क्लोथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है, ठीक है, तो जो नॉबल्स वगैरह होते थे, जो दरबारी वगैरह होते थे, जो रिच होते थे वही यूज़ करते थे। फिर जो कॉटन है, सिल्क है, इन सब के बारे में भी इन्होंने बात की है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में बात किया है। एज वेल एज इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी बात किया है, जो पोस्टल सिस्टम है, ठीक है। अब इन्होंने बताया जो इंडिया का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी कितना अच्छा है, जो रूट है उसके बीच में गेस्ट हाउस, इन्स, वो सारे उनकी फैसिलिटी है। साथ में जो पोस्टल सिस्टम है इसमें से मैसेजेस वगैरह तो आते ही है, ठीक है, मीन्स मैसेजेस वगैरह तो ट्रांसमिट होते ही है, साथ में हम गुड्स वगैरह भी इसके थ्रू ला सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है दिल्ली से सिंध में आने में 50 दिन लग जाते हैं, बट इस पोस्टल सिस्टम के थ्रू जो है जो भी खबर वगैरह है, जो स्पाई वगैरह है, इनको अगर कोई खबर ट्रांसमिट करना हो तो 5 दिन में कर देते हैं, तो इनकी जम के तारीफ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इब्न बतूता भाई साहब जो है इन्होंने तारीफ की है, ठीक है, इन्होंने ज्यादा बुराई नहीं की है, बुराई की है इन बर्नियर भाई साहब ने, एंड काफी हद तक इन्होंने सही किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने बताया अबाउट द लैंड ओनरशिप, इन जिसको उन्होंने क्राउन्ड ओनरशिप भी बोला है, क्राउन ओनरशिप बोला है। तो इन्होंने ये बोला है इंडियन सोसाइटी का जो मेन प्रॉब्लम है, जो कि इन्होंने कंपेरिजन किया है वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने ये कंपेरिजन किया है बर्नियर ने, एंड कहा है जो इंडिया की जो सिस्टम है वो ऐसी है कि मतलब जो लैंड वगैरह है सारे जो है स्टेट कंट्रोल करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है, ठीक है। अब देख सकते हो
एंड क्राउन ओनरशिप की बात की है. ओके इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो क्राउन ओनरशिप है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है. ठीक है, अब अगर स्टेट ने सारा लैंड कंट्रोल कर रखा है तो आप वो जो लैंड है ना ही अपने बेटे को ना ही अपने मतलब आगे के जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो. ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई मतलब जिसकी कंडीशन ख़राब है वो ख़राब ही रह जाता है. ठीक है, वो कभी मतलब उस स्थिति से उभर नहीं पाता. साथ में जो काम करने का जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं चला जाता है. ठीक है, वो भी मन नहीं होता कि वो कुछ अच्छा करे. डेवलपमेंट की जो इच्छा है वो नहीं रहती. तो ठीक है, तो ये जो क्राउन ओनरशिप है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यूरोप में अगर हम देखो तो प्राइवेट लैंड्स है. ठीक है, तो इनका ये मानना है कि प्राइवेट लैंड्स होने चाहिए ताकि लोग जो है प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आधे तो टैक्स में ही वसूल लेते हैं. ठीक है, जो कि मतलब फिर तो गरीब के साथ क्या होता है, वो ऑपरेशन होता है. तो उन्होंने ये बोला इस सिस्टम की वजह से जो है लोगों पे पेशेंट्स पे इन पे क्या होता है, ऑपरेशन होता है ज़्यादा. ठीक है, इन पे और ज़्यादा सप्रेस किया जाता है इनको. ठीक है, ये बोला गया. साथ में ये बोला है कि यहाँ पे इंडिया पे कोई मिडिल क्लास ही नहीं है. यहाँ पे बस माइनॉरिटी में जो है कुछ लोग जो है अमीर है एंड मेजॉरिटी अगर हम देखें तो लोग गरीब है. यहाँ पे कोई मिडिल क्लास ही नहीं है. ठीक है, एंड ये जो मुगल एम्पायर है ये इन गरीबों का क्या है, रूलर है. ठीक है, गरीबों का रूलर है बिकॉज यहाँ पे जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है ये बस गरीबों से ही भरा हुआ है. ठीक है, इन्होंने ये बोला है. बट इसके सफाई में अब अबुल फजल ने क्या बोला, जो कि क्रॉनिकलर थे ऑफ अकबर के टाइम के, ये क्रॉनिकलर थे. अब इन्होंने बोला है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये जो टैक्स वगैरह लिए जाते थे ये है रिन्यूमरेशन ऑफ सॉवरेनिटी. रिन्यूमरेशन ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, रिन्यूमरेशन मीन्स जो कर्जा वगैरह लिया जाता है वो किस लिए है, वो सॉवरेनिटी के लिए. जो राजा हमारी देखरेख कर रहा है, ठीक है, राजा हमें सर्विस दे रहा है, राजा हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है. अब इस सर्विस के बदौलत जो है लोग क्या कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं. ठीक है, मींस क्या कर रहे हैं, राजा हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसके बदौलत जो है वो इस पैसे को ले रहे. इन्होंने ये बोला था. ठीक है, इसके बाद मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला है, इसे ओरिएंटल डिस्पोटिज्म. ओरिएंटल मींस ओरिएंट मींस पूर्व मींस अर्ली. ठीक है, जहां से शुरू होता है तो पूर्वी डिस्पोटिज्म मींस हम कह सकते हैं तानाशाही. ठीक है, एक तानाशाही सिस्टम थी. ठीक है, जहां पे जो स्टेट है वो लोगों पे कंट्रोल करता है, उनसे टैक्स लेता है, हाई टैक्स लेता है. तो इसको इन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बोला. उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स ने भी इस पे बोला है. कार्ल मार्क्स ने बोला है जो सिस्टम है इंडिया में, जैसे कॉलोनियलिज्म से पहले क्या था, लोग जो है मतलब स्टेट के अधीन थे. ठीक है, एंड स्टेट जो है क्या करते थे, जो भी सरप्लस वगैरह लोग उगाते थे, पीजन्स उगाते थे, उन पे उनका ही कंट्रोल होता था. ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो है राइज हुआ ऑफ कुछ रिच पीपल. ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग आए जिन्होंने गरीबों को सप्रेस करना शुरू किया. ठीक है, कुछ लोग जो है पावरफुल बने, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए. ठीक है, राजा तो थे ही पावरफुल, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो विलेज कम्युनिटी है उसमें भी कुछ लोग जो है पावरफुल बन गए, जो कि राजा के उसमें काम करते थे अंडर में. तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने भी इस सिस्टम को इसमें इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. ठीक है, तो इन्होंने सारी जो बुरी साइड है इंडिया की ये सारी इन्होंने व्यक्त कर दिए. इसके बाद इन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में भी बोला. तो इन्होंने बोला जो आर्टिशंस है इंडिया में, आर्टिशंस मीन्स जो एग्रीकल्चर के अलावा जो काम करते हैं, जैसे मान लो पॉट बना रहे, बास्केट बना रहे, कोई ऐसी चीज़ है. ठीक है, तो आर्टिशंस जो है उनमें भी जो है वो इंटरेस्ट चली गई है, उनमें भी कोई इंसेंटिव नहीं है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो बिकॉज ये जो प्रॉफिट इनके सारे होते थे ये आर्टिशंस वगैरह के, ये स्टेट के पास ही चले जाते थे, स्टेट इस पर कंट्रोल करते थे. ठीक है, तो उनकी वजह से उनके अंदर जो वो इच्छा थी कुछ करने का वो फिर राइज नहीं हुआ. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि जो कैंप टाउन्स की बात बोली गई. अब कैंप टाउन्स जो है इसका मतलब क्या होता है, कैंप क्या होता है, हम कहते हैं ना कैंप लगाने जाते हैं, कैंप करने जाते हैं, कैंपिंग करने जाते हैं, मीन्स हम जहाँ पे टेम्पोररी टाइम के लिए जहाँ पे हम तंबू वगैरह गाड़ते हैं हम उसको कैंप बोलते हैं. तो इन्होंने मुगल एम्पायर को भी कैंप टाउन्स बोला क्योंकि इनका मतलब, इनका इससे मतलब यही था कि इनके तो एक तो हम देख सकते हैं इतनी सारी कैपिटल्स बदलती रहती है. ठीक है,
कभी आगरा में, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, तो इतनी जब इनकी कैपिटल बदली है, ठीक है, अब कैपिटल के साथ साथ जहाँ पे उनकी कैपिटल बसेगी उसके आसपास टाउन्स भी बस जाएंगे, तो इनका मानना ये था जो टाउन्स है वो एक कैंप टाउन्स है, ठीक है, इनकी जो इकोनॉमिक वगैरह एक्टिविटीज थी ये भी डिपेंड करते हैं इम्पीरियल टाउन के ऊपर कि राजा की जो राजा है जिनकी उनकी कैपिटल जहाँ पे होगी वहीं के आसपास वो टाउन्स बसा लेंगे, वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो इनका कोई परमानेंट वो नहीं था, इसलिए इसको कैंप टाउन्स बोला गया, क्योंकि ये शिफ्ट होती रहती थी, कैपिटल्स बदलते थे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी टाउन्स भी उसके साथ साथ चलती रहती थी उसकी, जहाँ जहाँ वो जाते थे, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया, इन्होंने एक सिंपल पिक्चर भी दिया है जो टाउन्स है कैसे थे, जैसे पोर्ट टाउन्स थे या फिर मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन्स थे, जो टाउन्स थे वो भी डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती थी, ठीक है। एज वेल एज हम देखें तो मर्चेंट कम्युनिटीज़ के बारे में भी बोला है, जैसे नगर सेठ, महाजन, ये जो थे रिच कम्युनिटी थे, ठीक है, तो ये जो ये बेसिकली ट्रेड से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से ये जुड़े होते थे। इसके बाद और भी प्रोफेशंस थी, जैसे लॉयर हो गया, फिजिशियन हो गया, ठीक है, टीचर्स हो गए, इन सब और भी प्रोफेशंस थे। तो बेसिकली इसमें जो है जम के बुराई हुई है, अब अगर शुरू से देखो एंड अगर आप यहाँ पे देखो बस तारीफ एंड तारीफ हुई है, ठीक है। सो यार इसके बाद ना हम लास्ट में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वेमेंस के बारे में, स्लेव, सती एंड लेबरर्स, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज को हम देखेंगे एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मीन्स यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में, तो शायद आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड देखो यार ये जो लास्ट पार्ट है ना इसको थोड़ा आप मतलब इमेजिन करने की अगर कोशिश करो ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा ये चीज़। तो यार देखो उस टाइम पे क्या था ना, जो स्लेव्स थी या फिर वेमेंस के साथ जो भी होता था उसको नेचुरल माना जाता था, ठीक है। नेचुरल कैसे, देखो अब जैसे जो स्लेव्स है वो खुलेआम दुकानों में बिके जाते थे, ठीक है, बिकते थे एंड वो नेचुरल था, वो कोई अनकॉमन नहीं था। मान लो दुकान में कोई इंसान एज अ स्लेव बिक रहा है तो वो हमारे लिए कितना डिफरेंट लगेगा, बट उस टाइम पर वो नेचुरल था। ये जो स्लेव्स थे इसमें भी मेल फीमेल तो दो मतलब मेल भी थे फीमेल भी थे स्लेव्स में, फीमेल्स की जो प्राइस थी वो कम थी, ठीक है। एंड ये स्लेव्स को मतलब बहुत नेचुरल थे। अगर आप एक इंसिडेंट देख लो, जैसे इब्न बतूता जब आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के पास, एंड क्या होता है जब भी कोई राजा के दरबार में जाते हैं इनको कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ता है, तो इन्होंने रास्ते में क्या खरीदा, हॉर्स खरीदे, कैमल खरीदे, साथ में इन्होंने स्लेव खरीद लिए, ठीक है, एंड इन्होंने जाके राजा को वो गिफ्ट किया और वो बहुत खुश हो गए, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को समझो यार, स्लेव बिक रहे हैं, इनको खरीद के दिए जा रहे हैं, ठीक है, इनको रेजिन एलिमेंट के साथ स्लेव्स को भी ये दे देते थे, लो भाई मतलब अलग ही था इनका दुनिया तो, ठीक है। तो ऐसे होते थे एंड साथ में ये जो स्लेव्स है उनको डोमेस्टिकेशन के लिए काम आते थे, ठीक है, इनकी प्राइस लो होती थी, जो फीमेल स्लेव्स होते थे उनकी प्राइस जो है लो होती थी, साथ में जिन स्लेव्स को डांस ऐसे या फिर गाना वगैरह आता था तो एक एंटरटेनमेंट का भी पर्पज़ बन जाता था। फिर ये जो राजा होते थे ये स्लेव्स को स्पाई के लिए भी लगाते थे, लाइक उनके जो नॉबल्स वगैरह है उनके दरबार में जो दरबारी है नॉबल्स है उनके पीछे स्पाई के लिए भी लगा देते थे, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप का काम इनसे कराया जाता था। इसके बाद अगर हम सती का देखें तो सती का जो मैटर है जो वेस्टर्न जो यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया है इस चीज़ों को, जो सती का जो है इनको देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को ये मतलब जिंदा जला देते हैं, तो उन चीज़ों से ये इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था, तो इन्होंने इनके बारे में भी लिखा था, सती के बारे में भी लिखा था कैसे छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, एंड ऐसे इन छोटे छोटे बच्चों की जो शादी है वो मतलब अधेड़ उम्र के लोगों से होती है, बूढ़ों से की जाती है, तो इनके बारे में भी वो लिखा था। उसके बाद जो है लेबरर्स के बारे में लिखा, तो लेबरर्स जो है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या फिर कमर्शियल एक्टिविटी में इनको एज अ लेबरर जो है वेमेंस को भी वेमेंस काम करते थे, तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वेमेंस बस चार दीवारी में नहीं थी, इनको काम भी करना पड़ता था, ठीक है। अब जो रूरल फैमिली या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है वो उनके घर में तो सब काम करते हैं, फीमेल्स भी जो है उनसे और ज़्यादा काम कराया जाता था, जो भी खेती वगैरह का काम होता था मोस्टली वही करते थे, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स में आपके बुक में आगे के चैप्टर्स में भी इसके बारे में और पढ़ोगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, गुड। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताओ, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट ईजी चैप्टर है अगर आप अच्छे से समझो इसको, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।